गुरूर ब्लॉक के विभिन्न गांव में विधायक संगीता सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि किसान कुटीर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान सेवा सहकारी समिति पलारी सनौद बासीन कवर सरकार में भूमि पूजन कार्यक्रम हुए। आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक अतिथि थी तो वहां अध्यक्षता सभी जगह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार साहू ने की। विधायक संगीता सिन्हा ने सभी जगह किसानों और समिति के लोगों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने किसानों को कहा कि सरकार विभिन्न योजनाएं ला रही है जिससे किसानों का भला हो। हमने बिजली बिल हाफ किया, कर्जा भी माफ किया। आने वाले दिनों में धान का रेट 3500 यानी 3200 रुपये तक भी जा सकता है। इस विषय में भी कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है। गोबर खरीदी का बहुत अच्छा कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ। अभी 2 किलो में खरीदी हो रही है, आगे चलकर 5 किलो में खरीदा जाएगा। क्षेत्र में गोमूत्र की खरीदी शुरू हो गई है, इसकी शुरुआत बरही से हुई है। धीरे धीरे अन्य गाँव में भी गोमूत्र खरीदा जाएगा। बोथली में रीपा ग्रामीण औद्योगिक पार्क खुलेगा जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवा जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अन्य योजनाओं की चर्चा उन्होंने अपने भाषण के दौरान की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ मजबूत करने की अपील की। इस दौरान उद्बोधन में राजेंद्र साहू ने भाजपा की मोदी सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। पानी में पूरा धान भीग जाए, भीगे तो आधा खराब हो जाए और आधा बचे बहुआ ले की स्थिति में नहीं रहा, तो बहुत सारे किसान मन बहुत परेशान रहा। तो ये बहुत ज़्यादा मांग रही इसकी 1 नवंबर से, और इस बार माननीय भूपेश बघेल जी जब इस क्षेत्र में आए जिससे दौरा करे बार, तो वो जगह भी मैं मांग करूँ। और शायद हमर मांग मुला लगते हमर मांग ज़्यादा प्रभावित रही इसे, और वो आज 1 नवंबर से आप मन के धान खरीदे शुरू हुई तो बहुत अच्छा कार्य हुई। इस बार सोसाइटी में कहीं भी हॉटस्पॉट नहीं रही से, सर इतना ज़्यादा अच्छा से धान बिकीस कि कई जगह सुखाए नहीं रही से और खाली रही सोसाइटी है ना, 17% के ऊपर आए कहाँ सुखा था बेचारा मन हाँ कोई हाँ सोसाइटी में सुखाए कोई अपन कोठार में सुखाए, लेकिन बहुत अच्छा ढंग से बहुत सुंदर ढंग से धान खरीद हुए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आए, ना बारदाना की परेशानी आई ना सुखरी बढ़िया आपके धान खरीदी चलत है। बघेल जी आप मन के लिए कुटीर घलोक दी है, देखकर ये जोरदार ताली बजा, काबर की किसान भाई मन धान बेचे बर आ रहे सवेरे ला रहे थे, अब ये छैयाम बैठा थे वो छैयाम बैठा थे कहूँ में रूख राई में बैठा थे नीचे में, तो माननीय भूपेश बघेल जी सोच रही कि हमारे किसान भाई मन आते कि वो जी भटकत रहे काबर इकर मन के लिए कुटीर न बना दो, और वो कुटीर बनाते वो कुटीर अभी यहाँ पे बनी आपके, अगले साल तक आप वही प्रस्थान में रहूँ वहाँ पर आराम करूँ, वहाँ पूरे सर्व सुविधा उपलब्ध रही, शौचालय रही, वहाँ बैठे की स्थान रही, ताकि आपके धान बीतर थे तो आप आराम से बैठ सको, जेकर नंबर अवैया रहते थे बैठे रहते धान ला रहे थे छोड़ के नहीं जाए तो बैठ के आराम से रह सकते, ये भी सुविधा माननीय भूपेश बघेल जी सोचे। मैं तो ये सोच 2000 क्लब छापी तो 500 क्लब छापी, अभी बैंक के मांग करा तो या बैंक खोल पर 2000 के नोट काकर जगह ये बता मानी कहना चाहते। एक तरफ प्रदेश में आप मन के सरकार है, किसान के सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, संगीता सिन्हा जी की सरकार है, वो किसान के जेब में लगातार पैसा डाल रहे थे, चाहे किसान के कर्जा माफ करके 10.5 करोड़ रुपए डाली सोई, चाहे किसान के बिजली बिल माफ करी सोई, आधा बिजली बिल करी सोई घर के, वो में लगभग 3000 से ज्यादा करोड़ के पैसा वापस कर दे, चाहे आपके पानी भरना के बाद माफ करे के बात करें, चाहे आपके फसल ला अभी हम 3-4 किस्त में दे थे भले 9000 रुपया, लेकिन 2640 से पेमेंट करा था, कब कब करा था 2640 से, ये मन माफ बात करते अभी मैं कुड़ेवा कह रहा हूँ, और अभी परसों अरमरी कलम भी एक दूजन सवाल करत रही, 1040 रुपया केंद्र सरकार देते, कौन देते केंद्र सरकार देते, मेरे को बहुत बढ़िया स्वागत है, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रेम है नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री केंद्र के, यह मन 2040 देते, मैं तो पूछे हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात असम इहो घलोक उत्तर प्रदेश बहुत बड़े प्रदेश वहाँ घलोक किसान मंडी थे, वह डबल इंजन के सरकार चला थे, एक तरफ मोदी है दूसरा तरफ योगी है फडणवीस है, अब ये भूपेंद्र सिंह घलोक कल शपथ ले थे,
वहां 2040 मिला थे कि नहीं मिला किसान ने, बोले नहीं मिला था। तो मैं कहूँ यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रेम करते, वहां पर प्रेम नहीं करे, इसे वहां घलो नहीं मिले। यहाँ हमर भूपेश बघेल जी के जो सरकार है वो रिस्क लेके देते, वो बोले कि 9000 ला चार किस्त में दे दो, हम बोले 9000 ला चार किस्त लेकर से दी देते। एक समय बुआई के समय रही थे, दूसरा समय 82 का समय रही थे, रोपाई समय रही थे, और तीसरा समय दिवाली त्योहार, और चौथा समय देते तब होली त्योहार रही थे। ये जनता के किसान के हित में बोला चार किस्त दे जाते हैं, हम चार किस्त में दे था, लेकिन दे तो है। मैं ओला पूछो 15 रुपये है, 1500 किस्त आए बता आए। जब हम अपन सम्मान के रक्षा खुद करबो तब हमार सम्मान हुई, और हमार सम्मान के रक्षा करत है ये प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धे भूपेश भैया, एक एक किसान के चेहरा में जो मुस्कान लाए के काम करते सिर्फ भूपेश भैया। बहुत अगर काम लगा अपन समझत हो डायरेक्ट रूप से, बहुत अगर नहीं समझत रहे हो बीच में बात आती से कि खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट भलो दे थे कह के, वर्मी कंपोस्ट तो नहीं बोलत रहे हो, लादन दे थे कह के, लादन नहीं है वही वर्मी कंपोस्ट, जब खेत में डालू तब देखू की वो खेत है कैसे सोना उगली। अब मैं धान के खेती कर दो, सबके पास स्मार्ट मोबाइल हवे, मोबाइल में सर्च करूं और देखूं कि विश्व में सबसे महंगा चावल, अभी 2 मिनट टाइप करो और भाषण के अंत में आ जाए रिजल्ट, लेकिन बता देता हूं सुखता जल्दी रख। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।